हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करें एक्यूटू के नए सर्कुलर के बारे में, जो कि है इंटर्नशिप असिस्टेंट से रिलेटेड और एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे बात की गई है जैसे बीटेक के थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की और फिफ्थ एवं सेवन्थ सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप असिस्टेंट या मिनी प्रोजेक्ट नामक विषय होता था, वो अब इंटर्नशिप असिस्टेंट या मिनी प्रोजेक्ट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप विषय कहा जाएगा। आगे यहाँ पर कहा जाएगा कि बीटेक के जो फोर्थ सेमेस्टर की सप्तम सातवें सेमेस्टर के एक नया विषय जोड़ा जाएगा, जो कि दो ग्रेड का होगा, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से छात्र और छात्राओं में स्टार्टअप एवं एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में चेतना जागृत और उसका परीक्षण करने का होगा। अगर यदि छात्र और छात्रा स्टार्टअप एवं एंटरप्रेन्योरशिप की गतिविधियों में रुचि लेते हुए और उसकी जो शर्तों का पालन सुनिश्चित करते हैं तो आप अपना समुचित विकल्प देता है, तो फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट समस्त क्रेडिट वह इन्हीं गतिविधियों से ही प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर जो अगर आगे बात किया गया है कि इस प्रकार अगर कोई छात्र या छात्रा द्वारा स्टार्टअप एवं एंटरप्रेन्योरशिप की गंभीरता से आत्मसात किया जाता है तो वह पाँचवें सातवें और आठवें सेमेस्टर में कुल मिलाकर अधिकतम 15 क्रेडिट इन गतिविधियों से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया के स्टेटमेंट और प्रोसीजर एवं डिटेल गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर दी गई है। आगे हम इसको ओपन आउट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या डिटेल गाइडलाइन है। तो इसमें एनेक्शन बन दिया है, जिसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मैंशन किया गया फॉर द न्यू कोर्स वर्थ 2 क्रेडिट विच विल बी एलिवेटेड इन द सेवन्थ सेमेस्टर। फिर आगे यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा है फॉर द 1 क्रेडिट ईच रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मिनी प्रोजेक्ट इंटरप्रेन्योरशिप विच विल बी नाउ द रीनेम्ड एज मिनी प्रोजेक्ट इंटर्नशिप स्टार्टअप इंटरप्रेन्योरशिप विच विल बी एलिवेटेड इन द फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर रिस्पेक्टिवली। अगर आगे बात की जा रही है यहाँ पर कि जो मिनी प्रोजेक्ट है इंटर्नशिप का इन द फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर का विल नाउ बी टर्म्ड एज अ मिनी प्रोजेक्ट इंटर्नशिप एंड स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप अंडर विद द स्टेटमेंट कैन ऑल्सो चूज स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज ऑन 1 क्रेडिट रिस्पेक्टिवली। फिर यहाँ पर आगे बताया गया कि दिस विल बी अर्न बाई जो शोइंग द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयरली ब्रेक डाउन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर एंड देन बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ईयर। आगे बात की गई स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ इन द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ़ अ स्टूडेंट स्टेबलाइज अ स्टार्टअप एंड गॉट द कंपनी रजिस्टर्ड इन द DPIT कॉमा ही एंड शी मे बी आल्सो प्रेजेंट हिज हर कंपनी आउटकम्स एंड ग्रोथ एज द सेवन्थ एंड एट्थ सेमेस्टर प्रोजेक्ट इन सच अ मैनर दैट इट्स आउटकम्स इज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप इन केस इफ द स्टूडेंट टू सो विश द अबव स्टार्टअप एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड इक्वलेंट टू द इंटायर प्रोजेक्ट वर्क टू बी डन बाय द सेवन्थ बाय द स्टूडेंट इन द सेवन्थ एंड एट्थ सेमेस्टर ही शी विल नॉट हैव टू एनी प्रोजेक्ट सेपरेटली। यहाँ पर आगे बात किया गया है कि जो ऐसी प्रोजेक्ट है जो कि विच डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR मे बी प्रेजेंटेड फॉर द क्लेमिंग 3 क्रेडिट्स सेवन सेमेस्टर। यहाँ पे आगे इसके बारे में बताया गया है कि द स्टूडेंट विल बी हैव द नोटिस टू हिज स्टार्टअप वर्क रजिस्टर्ड ऑन द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और ही शी कैन प्रेफर द डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑन हिज हर इंटरेस्ट। फिर इसके बाद जो है एनेक्सर सेकेंड दिया गया है, जो सेकेंड में डिटेल जो गाइडलाइन है फॉर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया, जिससे पहले में स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ एज एन ऑप्शनल क्रेडिट फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर। फिर बी में यहाँ बात की गई है मैंडेटरी 2 एकेडमिक क्रेडिट फॉर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज इन सेवन्थ सेमेस्टर। फिर आगे बात यहाँ पे की गई है स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ और फाइनल प्रोजेक्ट, जिसमें कि मार्केट पोटेंशियल फंड रिलेटेड इनोवेशन फैक्टर स्किलबिलिटी टीम साइज एंड टीम कैपेबिलिटीज़ बिजनेस मॉडल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन फाइनेंशियल वैल्यूबिलिटी सोशल एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। तो दोस्तों ये बात हम लोगों ने देखी नए सर्कुलर AK2 के जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल के द्वारा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड। थैंक्स वॉचिंग शेयरिंग।